राधे ओपन रिजॉर्ट अहमदाबाद से 35 किलोमीटर दूर है। इट्स अ रियली गुड रिजॉर्ट अगर आप अपनी फैमिली के साथ एक वीकेंड गेटअवे के लिए जाना चाहते हैं एक ऐसी प्लेस पे जो कि अहमदाबाद से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स क्लब, गार्डन विथ प्ले एरिया फॉर किड्स और उसके साथ साथ एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट भी है जिसका खाना उसके एम्बियंस से भी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको गोल्फ कार्ट की फैसिलिटी भी मिलती है जिससे कि आप पूरे रिजॉर्ट में आराम से घूम सकते हो। ये प्रॉपर्टी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है सो यहाँ पे काफी सारी एमिनिटीज है वो भी बन रही है। नाउ लेट मी गिव यू अ रूम टूर। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अब हम अपनी जो फेवरेट सीरीज है जिसके सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं हमारे चैनल पे उसको लेके आए अगेन एक रिजॉर्ट में आए राधे ओपन रिजॉर्ट। मैंने चूज किया था, अंजलि ने चूज किया था। राधे ओपन रिजॉर्ट है अहमदाबाद से कोई 30-35 किलोमीटर दूर है, बड़ोड़ा वाला जो एक्सप्रेस एसपी रिंग रोड है वहाँ पे। सो लेट मी गिव यू अंजलि दे रही है हमें क्विक रूम टूर। जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये दीवार है नहीं दरवाजा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं दरवाजा है। फिर से कर हमने मुझे बोला है कि अपने हिसाब से देने के लिए तो मैं थोड़ा कम दूंगी। ये टेबल है और ये बहुत अच्छी पेंटिंग है। यहाँ पर एक मस्त सा ड्रॉर है जहाँ पर हम कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे पास सामान नहीं है। यहाँ हम अपना सामान रख सकते हैं। मेरे को ही दिखाएगा, उस जगह भी दिखाएगा। ठीक है, ये गोल गोल है, मुझे नहीं पता क्या है, बट बैठने के लिए यहाँ से बैठने के लिए इतने वाले एरिया से बैठने के मतलब चिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये है मस्त बेड। ठीक है, और ये टीवी है। व्यू का कुछ गारंटी नहीं है बिकॉज आई डोंट नो व्यू कैसा होगा। हाँ बट अच्छा है फिर भी। अच्छा उन लोग का कूड़े वाला होगा, मैंने चलाती नहीं कि कूड़े वाला हो गया उनका एक्चुअली। तो ये आप बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर दिखा कुछ नहीं पर ये वॉशरूम है। ओ बाथटब, यस मस्त है ना, इतना मस्त है, बढ़िया। मैं जब अपना घर डिजाइन करूंगी ना तो ऐसे रखूंगी। बाय बाय। फूड की बात करें तो हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे ओवरऑल अच्छा रहा था। पास्ता, सब्जी और रोटी बहुत अच्छे थे, वेरियस पिज्जा एंड चीज केक इतना खास नहीं लगा हमें। रिजॉर्ट में उनका खुद का पिकॉक के नाम से एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप लंच, नाश्ता, हाई टी, डिनर कर सकते हैं। हमारे पैकेज में ओनली ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था सो दैट वी हैड टू पे फॉर लंच एंड डिनर, जिसके रेट्स की बात करें तो वो काफी रीजनेबल थे। अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो खाने के साथ साथ इसका एम्बियंस भी बहुत अच्छा लगा हमें, और नाइट में तो ये और भी ब्यूटीफुल लगता है जो कि वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। रेस्टोरेंट से बाहर निकलती पीछे की साइड पे ही स्विमिंग पूल है। यहाँ पे आपको किड्स पूल एज वेल एज पूल फॉर एडल्ट मिल जाएगा। पूल के पास ही बैठने के लिए काफी अच्छी स्पेस है विद चेयर्स, तो आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। रिजॉर्ट के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए भी काफी सारी प्लेसेस है जैसे कि गार्डन, किड्स प्ले एरिया एंड गेम जोन, पर यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये सारी जो प्लेसेस है आप वो वॉक करके एक्सप्लोर करें बिकॉज अच्छे वेदर में ये प्रॉपर्टी में आपको घूमने में बहुत ही मजा आएगा। अभी इस रिजॉर्ट में काफी सारे जो एरियाज है वो अंडर डेवलपमेंट है, बट यहाँ पे कुछ अच्छे स्पॉट्स भी है जहाँ पे आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अनदर एरिया जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा मजा आया इन दिस रिजॉर्ट इज द गेम जोन। ये काफी बड़ा गेम जोन है विद फुल्ली सेंट्रल एसी। यहाँ पे आपको टीटी, पूल,
चेस, कैरम, फुटबॉल और दूसरी बहुत सारी गेम्स देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा गेम जोन में वो था इनका सिटिंग एरिया। सिटिंग एरिया में बड़े बड़े सोफे लगाए हुए हैं। सो अगर आप घर से कोई गेम्स लेके आए हैं तो यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो गेम्स आराम से खेल सकते हैं। नाइट टाइम पे ये रिजॉर्ट की वाइब एकदम डिफरेंट ही हो जाती है। हर जगह पे यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की लाइटिंग्स देखने को मिलेगी। स्पेशली रेस्टोरेंट एंड पूल एरिया आपको नाइट टाइम में बहुत अच्छा लगने वाला है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट की जगह रेस्टोरेंट के पीछे बने एक बैंक्वेट हॉल में था। बैंक्वेट हॉल और ब्रेकफास्ट दोनों ही अच्छे थे एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये रिजॉर्ट का कॉस्ट हमें कितना पड़ा। सो गाइस अभी बैठे हम लोग गार्डन में जिसका अभी आपने व्यू देखा, वी आर एंजॉयिंग आवर सेल्फ। और अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अंजलि आपको इन्फॉर्मेशन देगी बिकॉज लास्ट टाइम की तरह इस टाइम भी इसने ही बुक किया। सो ओवर टू यू अंजलि। पहला मेरा क्वेश्चन है कि करण तुमने चश्मा क्यों लगा रखा है, क्योंकि धूप तो है नहीं। वो वीडियो के लिए अच्छा लगता है। आगे ठीक है। और तो जैसे कि मैंने राधे उपवन रिजॉर्ट बुक कराया था, आपने देख ही चुका है। हमने हेरिटेज रूम्स बुक कराए थे जिसका हमको 4,500 पड़ा इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मतलब ओकेश था, चलेगा। और लंच और डिनर वॉज सो गुड। इनका अपना पिकअप करके रेस्टोरेंट है अंदर ही। फूड इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि आपने देख लिया कितना अच्छा था। हाँ देख लिया, दिखाएगा ना तो अभी वीडियो में नहीं आएगा। अरे आएगा, पर वो टेस्ट बहुत अच्छा था। टेस्ट में बहुत मजा है। पास्ता वाज गुड, पिज्जा सो सो था और काजू कतली चीज के वो थोड़ा संभल के खाना क्योंकि हमें तो इतना अच्छा नहीं लगा। और सब्जी रोटी वाज रियली गुड। रेस्टोरेंट उनका अच्छा, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। जो फूड का मैंने फूड का रिव्यूज एक्चुअली मैंने देखे थे ऑनलाइन, बहुत अच्छे थे तो मेरे को वर्थ इट लगा। और हाँ, मतलब हम इतने सारे रिजॉर्ट में रहे हैं उसके कंपैरेटिवली यहाँ एक्टिविटीज कम है और गार्डन भी एक दो आई थिंक अभी डेवलपमेंट में है, काफी अंडर डेवलपमेंट में। गार्डन एक ही है, दूसरा भी बन रहा है और स्विमिंग पूल ही है। सो एक्टिविटी के लिए और जो वो स्पोर्ट्स क्लब है तो उसमें टीटी, फुटबॉल, बैडमिंटन ये सब हर क्लब में होता है। बट जैसे कि हर रिजॉर्ट में होता है, बट जैसे कि हम लोग का एक्टिविटी ना तो हम चढ़ने बढ़ने की करते हैं वो सब नहीं है। ज़िपलाइनिंग भी तो थी ना एक दो जगह पे हमारे, खतरों के खिलाड़ी वाली एक्टिविटीज नहीं है, वो नहीं है। फैमिली के साथ आ रहे हो तो एक दिन के लिए एक दिन वर्थ इट बिकॉज स्विमिंग पूल और सब है। और रूम्स हमारे बहुत अच्छे थे उसके, मतलब और भी रेट्स कम के रूम भी थे। बट हमको हमने ये वाला हेरिटेज रूम बुक कराया था और हमने अबोड़ा से बुक कराया था, तो आप बुक करा सकते हो वहाँ से। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और भी जल्दी व्लॉग आने वाला है क्योंकि अभी थोड़ा मौसम अच्छा होगा, बारिश होगी तो और भी रिजॉर्ट हम एक्सप्लोर करेंगे गुजरात में। सो स्टे ट्यून फॉर ऑल दोज व्लॉग एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय बाय।